अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अफजल। आप देख रहे हैं आईटी मेड पाकिस्तान। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। वो कहां कहां यूज होती है और किस लिए यूज होती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज में। और आज हम जो उसको रन करेंगे वो हम करेंगे वर्सल के स्टोरेज पे। उसकी वजह ये है कि हम जो नेक्स्ट को फुल स्टैक बनाने जा रहे हैं, तो वर्सल ने ये हमें एक ऑप्शन दिया है कि वो स्टोरेज का ऑप्शन ले आए हैं और उसके अंदर उन्होंने हमें डेटाबेस बनाने की एक ऑप्शन दिया है, वो मैंने बना लिया है। चले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमने जो डेटाबेस चूज किया है इसमें जो हमें वर्सल ऑप्शन देता है वो कौन कौन से ऑप्शन देता है, उसमें कुछ चार तरह के स्टोरेज देता है जिसमें से एक पोस्टग्रेस भी है। पोस्टग्रेस वो नियॉन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वर्सल, जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप है। हमें यहाँ बना बनाया डेटाबेस मिल जाता है जो हमें क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर हम अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं और अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हम किसी भी नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके उसके अंदर हम डेटा व्यू करवा सकते हैं, वहां से हम सेव करवा सकते हैं। ये सारा काम अब वर्सल ने उसको फुल स्टैक कर दिया है, तो हमें उन्होंने डेटाबेस दे दिया। अब डेटाबेस उन्होंने दिया है पोस्टग्रेस, दूसरे भी डेटाबेसेस हैं तीन, वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो उसका हमारा टॉपिक नहीं है। हम पोस्टग्रेस को लेके आ रहे हैं और पोस्टग्रेस जो काम करता है उसकी जो क्यूरी लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल। ये देखें एसक्यूएल क्यूरीज, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टेबल हैं। तो ये डेटाबेस तो हमारा बना हुआ है। डेटाबेस मेरा किस नाम से है, डेटाबेस हमारा नाम से है टेस्ट डेटाबेस, मैंने बना लिया है। तो अभी कोई भी टेबल हमारे पास नहीं है। चूज अ टेबल, तो टेबल होगा क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। ये काम करता है टेबल्स में और टेबल्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और फिर उसके आप डेटा आपस में ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। सिंगल टेबल्स पे भी क्यूरी कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल पे भी आप क्यूरीज कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम सब कुछ सीखेंगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्रिएट टेबल की कमांड किस तरीके से काम करती है। तो हम आ जाते हैं क्यूरी में। क्यूरी में ये हमें एक बॉक्स देता है और नीचे देखें रन क्यूरी। तो एसक्यूएल लिखने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्या करना है भाई, क्रिएट करना है। तो हम यहाँ क्रिएट लिख देंगे कि भाई बनाओ। तो एक कन्वेंशन ये है कि भाई ये जो भी इसके रिजल्ट कीवर्ड है वो आप कैपिटल में लिखें। क्रिएट हमने लिख दिया, अब क्या क्रिएट करना है भाई, टेबल। इसमें मजीद दूसरी भी चीजें होती है जैसे वो हम आगे जाके देखेंगे। फिर हम क्या देते हैं टेबल का नाम, ये आप देखें मैं स्पेस देके जो भी लिख रहा हूँ वो उस हिसाब से उसको वो लिख रहा है। मैंने यूजर कर दिया, अब मैं यहाँ करता हूँ पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, अब ये एक तरीके से फंक्शन की तरह जिस तरीके से हम लिखते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, ये वो नहीं है। यहाँ हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं इसके कॉलम की डेफिनेशन। तो यूजर्स में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर आई डी। यूजर आई डी हो गई हमारी भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ कॉलम कॉमा देता हूँ और दूसरी हमारी क्या आ गया भाई, यूजर नेम। अगर इस तरीके से मैं जाके इसको रन करूंगा ना तो ये मुझे एरर देगा, ये देखें ये नहीं बनाने देगा। क्यों, कि भाई हमने ये यूजर्स की दो फील्ड तो दे दी और हमने ऊपर क्रिएट टेबल भी बना दिया। अब ये कहता है कि भाई ये आपने फील्ड तो दे दी, वो फील्ड है क्या और उसकी टाइप क्या होगी और वो किस तरीके से फील्ड में हमें डेटा रखना है। मतलब हर कॉलम की आपको टाइप भी उसी वक्त बतानी है। ये यहाँ आ गया मैं, इसके बाद हम स्पेस देंगे तो उसके बाद वो उसकी इंट है, वारचार है या डेट टाइम है, ये कुछ इसके स्कीमा के कुछ टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो आप देख लेंगे एक वीडियो में। सॉरी, यहाँ यूजर आई डी लिखा है, तो यूजर आई डी हमें क्या इंटीजर में चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि भाई चले इंट में लिख दिया तो ये इंटीजर में ले लेगा। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि भाई इंटीजर भी हो और वो ऑटो इंक्रीमेंट भी हो, कि भाई उसके अंदर एक जब भी मैं यूजर को एक क्रिएट करूँ तो मैं खाली यूजर नेम दूँ, यूजर आईडी ना दूँ तो वो वन ले ले पहले यूजर में, दूसरे में टू ले ले, तो मैं क्या करूंगा इंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सीरियल लिख दूंगा। ठीक है, और दूसरा मैं चाह रहा हूं भाई ये मेरी प्राइमरी की हो,
प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, उस पर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। प्राइमरी की अभी थोड़ा सा हम उसका दो काम जो ये करती है प्राइमरी की, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया यूजर आईडी का एक कॉलम। अब हम दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं, इसकी भी कोई ना कोई टाइप होगी। कॉलम नेम के बाद हमें उसकी टाइप देनी होती है। इसके बाद में आ गया भाई, मैं देता हूँ भाई, ये होगा हमारा वार चार, वार और कार, करेक्टर का कर आ गया, और फिर वार चार वार कार, इस पे मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं क्या है, लेकिन कोई वार कार कहता है, कोई वार चार कहता है। हम उसको वार चार भी खेलेंगे इस वीडियो में, वार कार भी खेलेंगे। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। वार चार हमने, लेकिन स्पेलिंग यही होनी चाहिए, और ये लिखेंगे आप इसी तरीके से, पढ़ें आप जो भी इसको, वर्चर पढ़ने वाले, लेकिन लिखेंगे यही। उसके बाद हम इसकी लिमिट देंगे यहाँ पे, ये एक, अगर जब भी आप स्ट्रिंग देंगे तो उसकी आपको लिमिट देनी है। यहाँ स्ट्रिंग में दो टाइप होती है, वाचार और एक और होती है वो टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लिमिट नहीं देते, वो फिर मैक्सिमम जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ हम वाचार लेंगे, क्योंकि छोटी सी फील्ड होगी यूजर नेम की, तो उसको हम अभी के लिए दे देते हैं 30। 30 मैंने इसलिए लिखा भाई, इसमें सिर्फ 30 करेक्टर अलाउ हो। ठीक है, वाचार और स्ट्रिंग वैल्यू आप एक्सेप्ट करें, और 30 करेक्टर से ज्यादा ना करें। अब उसमें स्पेस भी आ जाएगा आपका, कॉमा जो भी आप पंक्चुएशन भी डालेंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन 30 से ज्यादा वो नहीं करेगा। उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ, और एक और चीज मैं इसमें यहाँ कंट्रोलिंग के लिए लिखता हूँ, कुछ ऑप्शंस हैं इसमें कि भाई इसमें बात जो हम डेटा, जैसे यूजर नेम अगर मैंने नहीं दिया ना, और ये मैंने जो आगे ऑप्शन जो है नॉट नल, ये क्या काम करता है? अगर मैंने अभी के लिए मैं अगर इसमें इंसर्ट की कोई क्यूरी चला दी, और मैंने कोई भी एक दूसरा भी अगर मैंने एक कॉलम है, जैसे यहाँ यूजर आ गया, और दूसरा मैं यहाँ ले देता हूँ ईमेल, ईमेल भी मैं ले दूंगा भाई वार चार। बाकी आपको जो कंट्रोलिंग करनी है जो ईमेल की, वो आप एप्लीकेशन से करेंगे। यहाँ मैं आ गया थर्ड, इसको भी मैं 50 दे देता हूँ, 50 करेक्टर लॉन्ग या अप्लाई करें, और इसको मैं देता हूँ भाई नॉन नल। अब अगर मैं खाली ईमेल दूंगा ना, तो वो क्या करेगा, सीरियल अपनी उससे डेटा पे जनरेट कर लेगा, क्योंकि यहाँ मैंने सीरियल किया। और ईमेल वो क्या करेगा, हम ईमेल दे देंगे, क्योंकि यहाँ आपने नॉट नल के भाई नल अलाउ नहीं है, आपको कोई ना कोई इसको वैल्यू देनी है, तो वो आप यहाँ डिफॉल्ट में भी दे सकते हैं। और आप डिफॉल्ट नहीं देंगे तो लाजमी जब आप इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो आप उसमें कोई ना कोई आपको वैल्यू देनी होगी। जैसे अभी मैंने क्या किया, यूजर नेम में मैंने कोई अभी नॉट नल नहीं लिखा, और यहाँ मैं आ जाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ मैं डिफॉल्ट नहीं लिखता, और ये मैंने एक अपना टेबल की ये कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब एक और कॉलम में बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट। कुछ चीजें मुझे समझा नहीं आपको, इस वजह से मैं इतने कॉन्टेक्ट कॉलम बना रहा हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ, इसको भी मैं 50 करेक्टर कर लेता हूँ, इसको भी नॉट नल कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने कॉन्टेक्ट दे दिया और ईमेल दे दिया और यूजर सेव करवा दिया ना, तो हमारे जो कॉलम होंगे उसमें इस तरीके से आ जाएगा भाई, पहले कॉलम में यूजर आईडी में आ जाएगा 1, टेबल जो हमें शो होगा, जैसे मैं आ जाता हूँ या नोटपैड में, नोटपैड सॉरी सर, यहाँ मैं आ जाता हूँ नोटपैड में, और मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये यूजर की आईडी आ गई हमारे पास, यूजर नेम आ गया, और ईमेल, तीन कॉलम हम ये ले लेते हैं, और यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट भी दे दिया। ठीक है, तो अगर मैंने यूजर आईडी नहीं दी तो वो 1 उठा लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सीरियल दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, मेरे ख्याल आपको नजर नहीं है, मच बेटर। अब यूजर नेम अगर मैं नहीं देता उसमें क्यूरी में, ईमेल दे देता हूँ abc@gmail.com, और एक और कॉलम उसमें अंदर मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब ये सेव होगा ना, वो डेटा इस तरीके से सेव नहीं होगा, वो डेटा फिर मैंने जब वहां अलाउ नल नहीं किया हुआ, अलाउ नल कर दिया है, क्योंकि नॉट नल मैंने नहीं लिखा, तो ये इस तरीके से ये हमारा रिकॉर्ड सेव होगा। अब ये नल वैल्यूज फिर आगे जाके जब हम
डेटा मैनिपुलेट या गेट करते हैं तो उसमें काफी हमें परेशान करता है, तो इस वजह से हम नल अलाउ नहीं करते हैं। और यूजर नेम आपको चाहिए होता है, जो ऐसी रिक्वायर्ड फील्ड होती है उसमें हम नल अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने नल अलाउ नहीं करना, तो मैंने यहाँ भी नोट नल लिख दिया। तो नोट नल ने क्या किया कि अब अगर मैं सेव करने जाऊंगा तो ये यहाँ ये नहीं देगा, बल्कि अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो उस पर एरर देगा कि भाई यूजर नेम आपने नहीं दिया, आप वो भी दे दीजिए। अगर हम इंसर्ट की क्वेरी अगली वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और चीज इसमें आती है नोट नल के साथ। अब जाहिर बात है अगर कॉन्टेक्ट का मैंने यहाँ दे दिया और कुछ यूजर है जिसके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो क्या हम उसका यूजर क्रिएट नहीं करेंगे? ईमेल तो वो मुझे प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर उसके मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है या कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम नल भी नहीं देना चाह रहे और उसमें कुछ ना कुछ जैसे नल लिखा हुआ भी ना हो, नल वैल्यू ना दे, तो नोट नल हमने कर दिया कॉन्टेक्ट को। कॉन्टेक्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसी कोई फील्ड है जिसमें हम नल भी नहीं चाह रहे और उसमें हम कोई वैल्यू हमारे पास ऑप्शनल भी रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक कीवर्ड आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर देता है, वो जो आपने अगर वारचार्ट दिया हुआ है, वारचार्ट दिया हुआ है तो उसमें हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी है। एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एसक्यूएल की लैंग्वेज में सिंगल कोट के साथ आप देंगे, डबल कोट से आप उसके स्टूडियो में भी जो आप जो भी एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम करेगा, और जब आप पीजी एडमिन उसमें भी आप टेस्ट कर लीजिएगा उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ इंटीजर दिया हुआ है तो फिर मुझे जीरो देना पड़ेगा कि भाई अगर इंटीजर ना मिले तो जीरो दे दे। अगर मैंने डेट की कॉलम है तो यूं ही मुझे यहाँ उसी के हिसाब से यहाँ मुझे वैल्यू देनी है, तो यहाँ मैंने वाटर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टेक्ट पे वाचर हो, ऑप्शनल फील्ड है और उसमें नल भी ना आए। अब अगर मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं कॉन्टेक्ट की फील्ड नहीं देता और यहाँ मैंने यूजर दे दिया भाई आत्माराम, और उसकी मैंने बीसी आईडी दे दी और मैंने उसका यूजर उसका मैंने कोई सेव नहीं करवाया, ये अभी मैं इस तरीके से नोटपैड पे लिख रहा हूँ, ये मैं आपको टेबल बता रहा हूँ कि यूजर की आईडी, यूजर नेम, ईमेल, ये आपके कॉलम के नेम हो गए और नीचे उसका डेटा, इसी तरीके से आपको वहां दिखाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं इस चीज का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कॉन्टेक्ट में मैं आऊंगा तो ये अगर मैंने वहां कोई वैल्यू नहीं भेजूंगा तो ये मुझे इस तरीके से दिखाएगा, नल लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं ये पहले रन कर लेते हैं, इस क्वेरी को टेबल बना लेते हैं इसका। ये देखें सक्सेसफुल क्लियर हो गया। अब इसको ब्राउज करता हूं मैं, ये देखें ब्राउज अगर मैंने किया और मैं जैसे ही यूजर पे क्लिक करता हूं, ये देखें सिमिलरली यूजर नेम कॉन्टेक्ट आपके सामने आ गया। और अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट करूंगा तो वो नीचे यूं ही जैसे इसमें डेटा आ रहा है ये रोज इसके नीचे इंसर्ट होती जाएगी और वो डेटा हमें यूं दिखाएगा जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये नल यहाँ नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी एक डिफॉल्ट की एक वैल्यू दे दी है कि डिफॉल्ट उसकी स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है दोस्तों, हम यहाँ इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।